हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्मरिक के बारे में। जहां दोस्तों जिसको हल्दी बोला जाता है, मराठी में उसको हड़द बोला जाता है। वाकई में दोस्तों, अगर आप हल्दी को मुर्गियों के लिए इस्तेमाल करते हो, उनके पीने के पानी में हल्दी देते हो, उनके फीड में मिलाकर हल्दी अगर देते हो, तो एक तरीके से ये तो ऐसी मेडिसिन है दोस्तों जो संजीवनी की तरह अनेकों फायदे उस मुर्गियों को देती है। आज के वीडियो में सबसे पहले वन बाय वन उस हल्दी के मैं फ़ायदे आपको बताऊँगा, उसके बाद मुर्गियों को पीने के पानी में और खाने में कितनी मात्रा उसकी इस्तेमाल करनी है जिससे आपको बेहतरीन से बेहतरीन और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, उसके बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट में मात्रा बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक के पूरा देखेगा, आपको जरूर से ज़रूर फायदा होगा। वीडियो के आगे जाने के पहले पोल्ट्री फीडअप ईबुक और हार्डबुक का एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक दोनों में भी सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ईबुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्डबुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो, और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 9172611143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। सबसे पहला फायदा होता है दोस्तों, जिसके यूनिफॉर्म और एक समान ग्रोथ के लिए टर्मरिक उनके फीड में मिलाकर अगर आप देते हो तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा होता है। बहुत बार क्या होता है ना दोस्तों, हम जो भी बैच डालते हैं उसमें अनइवन साइज का प्रॉब्लम आ जाता है। अगर आपकी ब्रीडिंग सही से नहीं हुई हो या फिर अगर आपकी फीड की क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलता है। ऐसे में जो भी मैं रिकमेंडेड डोज आपको पीने के पानी में या फिर फीड में मिलाकर बताने वाला हूँ, उसका प्रॉपर तरीके से अगर आप पीने के पानी में, फीड में मिलाकर अगर टर्मरिक को देते हो, हल्दी को देते हो, तो आपको पूरे के पूरे चूजों की ग्रोथ यूनिफॉर्म डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी। दूसरा फायदा होगा दोस्तों, मुर्गी के शरीर पर कहीं पर भी अगर घाव हो जाए तो अगर हल्दी को किसी भी तेल के साथ मिलाकर उस घाव पर जख्म कर अगर लगाया जाए तो हल्दी एक तरीके से एंटीसेप्टिक का काम करती है और जो भी जख्म या फिर घाव मुर्गी के शरीर पर हुआ है वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है। तीसरा फायदा होता है दोस्तों, मुर्गी के डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने के लिए, साथ ही मुर्गियों से ज़्यादा अंडे प्राप्त करने के लिए हल्दी आप उनके फीड में मिलाकर दे सकते हो। मेरा यकीन मानिए, आपकी मुर्गी पहले से ज़्यादा अंडे देगी। चौथा फायदा होगा दोस्तों, जिन मुर्गियों के फीड में हम हल्दी मिलाकर देते हैं उन मुर्गियों के आँखों में होने वाली बीमारियां, जैसे कि आँखों में होने वाले इन्फेक्शन और कोराजा होने की संभावना दूसरी मुर्गियों से कम होता है। पांचवा फायदा होता है दोस्तों, ये जो हल्दी होती है ना दोस्तों, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। जिस तरीके हमारा जो एंटीबायोटिक होता है वो मुर्गियों के जो भी डिसीजेस होते हैं उसकी ट्रीटमेंट के साथ साथ बीमारियों से प्रिवेंशन का भी काम करता है, सेम वही काम हमारी हल्दी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होने की वजह से हमारी मुर्गियों को देती है। छठवां फायदा होता है दोस्तों, अगर मुर्गियों की गर्दन थोड़ी सी मुड़ी हुई है या फिर छोटा मोटा मुर्गियों को लंगड़ापन है तो हल्दी में विटामिन बी और विटामिन ई होता है, तो यह उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असरदार होता है। सातवां फायदा में होता है दोस्तों, हाजमे के साथ साथ मुर्गियों के आंतों में अगर नेक्रोटिक एंटेरिटिसिस, जिसे हम हाथों की सोजिश या फिर आंतों का खराब होना बोलते हैं, उस पर भी ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। ऐसे में नेक्रोटिक एंटेरिसिस आपके मुर्गियों को हुआ है तो आप उनके पीने के पानी में हल्दी मिलाकर दे सकते हो, आपको बेहतरीन रिजल्ट, बहुत जल्दी आपकी मुर्गियाँ रिकवर हो जाएगी। आठवां फायदा होता है दोस्तों, हाजमा अगर हमारी मुर्गियों का अच्छा होता है, जो कि हल्दी अगर पीने के पानी से या फिर फीड में अगर हल्दी हम मिलाकर देते हैं तो गारंटेड आपके मुर्गियों का हाजमा बेहतरीन होगा ही होगा, तो उसके बाद क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम बेस्ट हो जाता है, जिसके कारण आपके मुर्गियों का फीड इनटेक बढ़ जाता है। और जब कभी भी मुर्गियों का फीड इनटेक बढ़ता है तो नेचुरली मुर्गियों की इम्यून पावर भी बढ़ती है और इम्यून पावर बढ़ने की वजह से उस मुर्गी को बीमारी, डिसीज होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो देखा दोस्तों, जो हमारी हल्दी है, टर्मरिक है, वो मुर्गियों के पीने के पानी में या फिर खाने में मिलाकर देने के कितने सारे फायदे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हल्दी का, टर्मरिक का कितनी मात्रा पीने के पानी में या फिर खाने में मिलाकर देना है। देखिए, एक गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, हल्दी का ओवरडोज मुर्गियों को नहीं देना है। इतने सारे फायदे आपने देखा तो अगर मैं ज़्यादा प्रमाण में, ज़्यादा रेशो में अगर हल्दी को इस्तेमाल करूँगा तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा। इस लालच में अगर आप हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपको नुकसान ही होगा। तो जो मैं रिकमेंडेड डोज अभी बताने वाला, उतनी ही मात्रा में आपको हल्दी का इस्तेमाल पीने के पानी में या फिर फीड में मिलाकर करना है। एक बार और से बता दूँ, एक महीने में सिर्फ एक बार 4 दिनों के लिए कंटिन्यू
8 घंटे के लिए ये डोज इस्तेमाल आपको करना है। किस तरीके से करना है, जैसे कि अगर आपके पास छोटे चिक्स हैं जो कि 500 ग्राम के नीचे में हैं, तो ऐसे में 5 ग्राम हल्दी आप 1 लीटर पीने के पानी में एक महीने में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन कंटिन्यू 8 घंटे के पानी में मिलाकर दे सकते हो, समझ गए। उसके बाद अगर आपके पास अगर बड़ी मुर्गियाँ हैं तो 10 ग्राम हल्दी आप 1 लीटर पीने के पानी में एक महीने में सिर्फ 4 दिनों के लिए कंटिन्यू 8 घंटे के पीने के पानी में दे सकते हो। उसके बाद अगर आपको हल्दी को फीड में अगर मिलाकर देना है तो एक सिंपल सी ट्रिक है, 1 चम्मच हल्दी प्रति 1 केजी फीड में आपको मिला लेना है और वो आपको 4 दिनों के लिए कंटिन्यू महीने में सिर्फ एक बार 8 घंटा कंटिन्यूसली उस मुर्गे को देना है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके का पोल्ट्री का एक नॉलेजेबल वीडियो लेके हमारे ही पोल्ट्री वाला चैनल पर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।